सुबह के 9 बज चुके हैं और नींद बहुत देर में खुल रही है। भैया तो शायद 6 बजे के आसपास उठ गया था, तो उसने मेरे से बोला उठने के लिए। मैंने कहा भाई 10 मिनट और सोने दे फिर उठा दियो, लेकिन भाई ने 10 मिनट में उठाया नहीं। तो अभी 9 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कहीं नीचे को घूमने के लिए जाना था पहले। 10 बजे चेकआउट है, बट हम ट्राई कर रहे हैं चेकआउट अभी कर लें। नीचे जो है वो थोड़ा सा मतलब ट्रैक है, तो वहीं से कुछ देखते हैं। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, पहले फटाफट निकलते हैं और फिर मैं आपसे बात मिलता हूँ। चेकआउट के लिए जाते हुए, ये बाहर का ज़्यादा प्यारा है यार। यहाँ के दो, एक यहाँ से बाहर से रास्ता है, एक उधर के अंदर से, बट बाहर का ज़्यादा प्यारा है। चलो थैंक्स, बाय। तो अब थोड़ा सा हम नाश्ता नहीं कर रहे। तो ये हम ज़रा वॉक पे निकले हैं और यहीं से तकरीबन आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तक की वॉक देखते हैं कि कहाँ तक व्यूज़ अच्छे मिलते हैं और कुछ दिखता है या नहीं आगे। यहाँ एक अंकल भी बैठे हैं, माल फूक रहे हैं क्या। तो ये हम थोड़ी देर बाद एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, ज़्यादा नहीं चले हैं अभी, तो शायद आधा किलोमीटर के आसपास चले हैं। थोड़ा सा थके हैं क्योंकि यार बहुत स्टीप है। नमस्कार अम्मा, कैसे हैं? हाँ। यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं। आप कहाँ से आए? हम यहीं हल्द्वानी पट्टी। अच्छा, हल्द्वानी। तो अब हम निकले हैं ऊपर चौली की जाली को। मुक्तेश्वर में एक ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है, ऑल दो मैं एक बार होके आ चुका हूँ, बट आप लोगों के लिए ही दोबारा जा रहा हूँ। मतलब इट्स जस्ट की एक स्पॉट है नॉर्मल, वहाँ से काफ़ी व्यू अच्छा आता है। मंदिर भी है, एक मंदिर हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस। ऊपर आ चुका है, हम याले होटल पे रुकते हैं। ये देता है हमको सर 2000 रुपए में, दो रूम्स है, एक आगे पीछे, दो साथ ही इंटरकनेक्टेड रूम्स है। तो ये मुक्तेश्वर आपका ऑलमोस्ट मतलब यही मार्केट ही है पूरी, और इसके बाद आप आगे को जाओगे तो यहीं से कुछ कुछ रास्ते हैं थोड़े एक्सप्लोर करने के लिए, काफी लोग जाते हैं उधर से ही है। यहाँ मुक्तेश्वर ऑलमोस्ट खत्म है, अब आपको पूरे रास्ते ना ऐसे ही दिखेंगे। वो प्रॉपर्टी देखो जिस जगह पे, वहां से व्यू पीछे से, जैसे कितना अच्छे लोग होते हैं यार, ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं भाई यहाँ पे अपने को। तो ही वाज स्वीट इनफ, ये देखो ऐसे जगह रास्ते में गाड़ी रोकता है मेरे लिए। नहीं मैं यहीं उतरूंगा, मैं यहीं उतरूंगा, ही डू पक्ष पार्ट टू मी ब्रो, ना मुझे झरने पे ले जा रहा है और गाड़ी ऐसी जगह रुक, पैर रखने की जगह नहीं। तो ही वाज सो स्वीट कि उसने हमको अच्छे से बताया सब कि यार आगे पार्क कर लो, ये कर लो। तो यू मीट गुड पीपल्स, दैट्स व्हाई वी ट्रैवल टू मीट समवन गुड। दिस इज चौली की जाली, आई गेस ये मंदिर का नाम ही है, ये माता का मंदिर है। यहाँ पे मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, सब लोग जा रहे हैं आगे से, इधर ही से ऊपर को जाके आगे से लेफ्ट को मुड़ना पड़ता है कहीं वहाँ के लिए। नाशपाती है कितनी बड़ी है, वापसी में लेंगे। इधर से नीचे से चल, तो ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ से बाकी आते भैया वापसी में आते। ऐसे कुछ रास्ते हैं, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है और छोटा सा रास्ता है। बहुत से लोग इवन लास्ट टाइम मैंने देखा था ना, लोग बाइक से भी आ रहे थे यहाँ पे। एक राउंड मारा था इसका, मंदिर से गए थे, हाँ उसके बैक साइड से उतरे थे भाई। और कुछ लोगों को आप देखो ना, इधर गंदगी देखो आप। वी ह्यूमन एवरी वन, मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग ही करते हैं, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू, मे बी कभी शायद हमने भी किया, बट एटलीस्ट आप कोई भी चीज़ें ले रहे हो, खा रहे हो, तो उसको चलो ठीक है डस्टबिन नहीं भी है तो रखे ले जाओ यार अपने पास। अभी थोड़ा सा ऐसा रास्ता शुरू, क्योंकि अब ना इन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पहले कोई जाता था नहीं, लोगों को पता नहीं था, बट अब यहाँ पे इतना क्राउड आता है, इतना क्राउड आता है कि आप देखो ना, खुद गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको प्रॉपर एक ट्रैक सा चलने को बना दिया है और विद दिस व्यू। तो यहाँ पे मेरी एक पुरानी फोटो भी है, मतलब वो पत्थर पे बैठी हुई, जो पत्थर के लिए एक्चुअली यहाँ पे फेमस है। हाँ, तो यहाँ से अब स्टॉल्स सब शुरू हो जाती हैं। ये जंगल का एरिया है, अभी आपको व्यू आगे से दिखने को मिलेगा। अच्छे से चलो, यहाँ से पत्थर वत्थर स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको बता रहा था। रॉयल सीट इधर से देखो, ये देखिए आप, ये जो डेड एंड है, इधर से व्यू
देर से रेडी बस, इसके बाद कुछ नहीं है। से दिस, वो हमारा मजनू। ए मजनू कहाँ चली रहे मेरी छम्मो? तो यार वो जगह ना जहाँ पे अपन रुके थे, चौली की जाली वाला पत्थर वाली एरिया, वो जगह मतलब आई गेस मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड जगह है। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, बट मतलब तो अपने को थोड़ा शांति वाली चाहिए, तो हम अभी इधर रास्ते पे ही कहीं बैठते हैं। विद दिस, ये देखिए आप जंगल मैन वर्सेस वाइल्ड, हम चल यहाँ चले, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जमा करते हैं हम, रात को आग जलानी है हमें। मैं अभी 18,000 फीट की हाइट पर हूँ और हमें रात को खाने के लिए ये कीड़ा मिलेगा, शायद कोई कीड़ा भी नहीं मिलेगा। ये चौली की जाली जो है यहाँ से निकले हैं और इधर से रास्तों के मजे लेते हुए विंडो निकल रहे। तो ये हम वापस नीचे मार्केट पे हैं और यार यहीं पे ना, अच्छा मैं आपको चिल्ला रहा हूँ, यही वो मार्केट है क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा कभी होता है, इनके साथ फंसते हो, यहाँ पे पेट्रोल नहीं है आपके पास, डीजल कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, बिकॉज बैक इन 2020 और 19 की शायद वो बात है। तो मैं यहाँ आया हुआ था तो हमारी गाड़ी पे एक्चुअली डीजल ख़त्म हो गया था, स्कॉर्पियो पे थे, तो हम चार दोस्त थे, तो हमने यहाँ पे से वो डीजल लिया था। ज़्यादा नहीं देते हैं, 5 से 6 लीटर देते हैं, विच इज़ इनफ आपके लिए भीमताल भवाली या भीमताल कहीं भी पहुँचना, जहाँ से आप फ्यूल अप कर सकते हैं। तो अभी रुके हैं कुछ खाने के लिए, जूते उतार दिए हैं क्योंकि ट्रैफिक तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे कहीं भैया के वहाँ कुछ खा रहे हैं। ऑमलेट कितने अंडे का बोला है? 2-3 अंडे कर दो, 3, हाँ हाँ कर दो, वैसे कर दो भाई। और फिर से रास्ते शुरू, फिर से कोहरा शुरू। आज हम दूसरे रास्ते, कल हम भीमताल से निकले थे, आज हम भवाली वाले रूट से आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ और खाने यहाँ पे रुके हैं, तो पराठे वराठे कुछ भी लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यार बाकी यार मेरे फ़ोन पे बैटरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो शायद ड्रेन हो गई, सवेरे मैंने चार्ज किया था, पता नहीं हुआ क्या, तो शायद इससे आगे ब्लॉग कर नहीं पाऊँगा, अगर करा तो आगे का डाल दूँगा।